lucky us. One thing's... My lord, this world will fall. 2020 मूवी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था और कुछ मूवी को अनअवॉइडेबल रीजन के चलते पोस्टपोन करके 2021 में रिलीज किया जा रहा है और यही मूवी हमारे लिए मार्च से जुलाई के बीच किसी एक्शन ओवरडोज की तरह होने वाले हैं। नंबर 5 की मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस 9। अब फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की मूवी है तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी हाई रहती है, लेकिन अब जॉन सेना की एंट्री हो चुकी है तो लोगों के एक्सपेक्टेशन को भी इसने कई गुना बढ़ा दिया है। नंबर 4 की मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। दोनों मॉन्स्टर के बीच सदियों से चली आ रही लड़ाई को इंसान खत्म करके धरती इनसे मुक्त कराना चाहता है। 1400 करोड़ में बनी इस मूवी की विजुअल्स और VFX का अंदाजा इसके बजट से ही लगाया जा सकता है, जो लास्ट वीक ऑफ मार्च में रिलीज होने वाली है। नंबर 3 की एक्शन फैंटेसी जंगल क्रूज। ड्वेन जॉनसन की मूवी है तो कई लोगों ने ट्रेलर देखकर ही डिसाइड कर लिया कि ये एक आउटस्टैंडिंग एक्शन एडवेंचर मूवी होने वाली है, जो 29 जुलाई को आ रही है। नंबर 2 की मूवी 2021 की मोस्ट अवेटेड जैक सिंडर जस्टिस लीग। 4 घंटे तक नॉनस्टॉप एक्शन। स्टोरी को वहीं से शुरू किया गया है जहां पिछली बार जस्टिस लीग खत्म हुआ था। सुपरमैन, बैटमैन, डायना प्रिंस और फ्लैश अब एक टीम की तरह काम कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर पूरी धरती को बचाने का जिम्मा है, लेकिन खतरा अब पहले से भी बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड गेम में जिस तरह से नताशा को फेयरवेल दिया गया, कई फैंस को थोड़ा सदमा जरूर लगा और उसी सदमे को भरपाई करने वाली है नंबर 1 की मूवी ब्लैक विडो। स्कारलेट जोनासन की मूवी है तो एक्शन के बारे में कुछ भी बोलना जस्टिस नहीं होगा इस मूवी के साथ। कई बार इसके रिलीज को पोस्टपोन किया गया एंड अब फाइनली 29 अप्रैल को रिलीज हो रही है। तो अगर आप ट्रू हॉलीवुड एक्शन लवर हो तो ये सारे मूवी थिएटर में मस्ट वॉच है।